शादी के बाद पहला जन्मदिन मनाती दिखी स्वरा भास्कर। ससुराल में नहीं मायके वालों संग बर्थडे सेलिब्रेट करती आई नजर। तो बीवी पर खूब प्यार लुटाते दिखे मिसेस अहमद के शौहर। जी हाँ, मिस से मिसेस बन चुकी बॉलीवुड की बेबाक एक्ट्रेस स्वरा भास्कर निकाह करने के बाद से ही बेहद खुशी खुशी अपना वक्त बिता रही हैं। आए दिन वो अपने शौहर यानी कि नेता फहद अहमद संग तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। तो बीते दिन का तो मौका ही स्वरा के लिए सुपर स्पेशल था। भाई आखिर निकाह के बाद स्वरा ने अपना पहला जन्मदिन जो मनाया है वो भी पति और अपने मायके वालों के संग। दरअसल 9 अप्रैल के दिन ही स्वरा का 35वां जन्मदिन था। ऐसे में स्वरा ने जन्मदिन के दो दिन बाद अपने बर्थडे सेलिब्रेशन की झलकियां फैंस के साथ शेयर की हैं। जहां बर्थडे गर्ल स्वरा भास्कर एकदम ट्रेडिशनल लुक में तैयार हुई थी। रेड और व्हाइट कलर के प्रिंटेड फ्लोरल आउटफिट पहने स्वरा ने अपना बर्थडे केक कट किया। स्वरा का बर्थडे केक भी उनके लिए स्पेशली तैयार करवाया गया था जिसमें उनकी फोटो भी लगाई गई थी। तो टू टायर ये केक रेड चेरी से कस्टम मेड बना था। वहीं स्वरा का ये आउटफिट भी कम खास नहीं था भाई। आखिर इस आउटफिट को फैशन डिजाइनर मोहम्मद अजहर ने जो डिजाइन किया था, इस आउटफिट को एक खास नाम भी दिया गया, इसे सफरनामा का टैग दिया गया है। स्वरा ने इन पिक्चर्स के साथ सभी को धन्यवाद देते हुए एक लॉन्ग और स्वीट कैप्शन भी लिखा। स्वरा ने लिखा है कि मानती हूँ एक साल बड़ी हो गई, लेकिन ये साल और भी ज्यादा खुशनुमा है। आप सभी की विशेष के लिए धन्यवाद। मुझे माफ कीजिएगा अगर मैं सबका अलग से रिप्लाई नहीं कर पाई, पर मुझे आप सबका प्यार पाकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैं अपना जन्मदिन अपने फेवरेट लोगों के साथ मना रही हूँ। मैंने अपने फेवरेट डिजाइनर की ड्रेस भी पहनी है। वैसे यहाँ खास बात ये रही कि स्वरा के जन्मदिन पर उनके साथ उनके मायके वाले यानी कि एक्ट्रेस के मम्मी पापा और पति फहद तो मौजूद रहे, लेकिन इस मौके पर स्वरा के ससुराल से कोई नजर नहीं आया। अब जब ये बात लोगों की नजरों में आई तो भला वो इस बात पर अपने रिएक्शन कैसे नहीं देते। इन पिक्चर्स के कमेंट सेक्शन में एक के बाद एक लोग उन्हें ताने मारते हुए नजर आए। एक शख्स ने लिखा, बचकर रहो केक की जगह कहीं तुम्हें। एक यूजर ने कहा, ये जोड़ी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो एक ने कहा, ज्यादा दिनों तक खुश नहीं रहोगी। एक और ने लिखा, आपका राहु काल शुरू हुआ तभी गलत फैसला लिया है। इस तरह के बाकी कई लोग भी स्वरा को बधाई देने की बजाय ट्रॉल करते हुए दिखाई दिए। आपको बता दें कि स्वरा ने अपने निकाह के बाद पहला जन्मदिन मनाया था। हालांकि उन्होंने कोई बड़ी पार्टी होस्ट ना कर घर पर सिंपल तरीके से ही बर्थडे का सेलिब्रेशन किया। तो स्वरा के जन्मदिन पर उन्हें सबसे खास बधाई अपने शौहर यानी कि फहद अहमद से ही मिली। फहद ने एक वीडियो को अपने इंस्टाग्राम से शेयर कर बीवी स्वरा को बर्थडे विश किया था। इस पोस्ट पर स्वरा ने भी रिप्लाई करते हुए लिखा था, लव यू बेबी। बहरहाल फैमिली संग स्वरा अपना जन्मदिन मनाकर खूब खुश होती नजर आई। तस्वीरों में एक पल के लिए भी उनके चेहरे से मुस्कान हटते हुए दिखाई नहीं दी। ब्यूरो रिपोर्ट E24।